हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ऋषि त्यागी आज आपको कॉलर वाले सूट की कटिंग करना और स्टिचिंग दोनों ही बताऊंगी। बहुत ही सिंपल तरीका है। इस तरह से मैंने कुर्ती की कटिंग की हुई है। यहाँ पर मैंने जो गला कट किया है, गले की जो चौड़ाई है वो इस तरह से 2.5 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो है 5 इंच। तो इस तरह से मैंने गला कट किया है। जो एक्स्ट्रा है कपड़ा वो मैं कट कर दूँगी इसको। यहाँ पर इस तरह से ये कट हो गया, तो मुझे इसमें 4 इंच का एक कट वाला डिजाइन बनाना है। तो यहाँ पर बुकरम ली और इसको अगर मैं ऐसे कट करूँगी तो ये गलत है। तो आपको कट करना है खुले भाग से बंद भाग की तरफ। तो ये इस तरह से आपका ये डिजाइन बन जाएगा। यहाँ पर आप इसको एक कपड़े पे कच्चा करेंगे। इसके लिए आपको ना फ्रेंड्स, जैसे अस्तर और कपड़ा दोनों ही लेके ही इसको कच्चा करना है। तो देखिए, ऐसे अस्तर लिया मैंने और इस पे रख के यहाँ पर सिलाई लगाई और चारों तरफ सिलाई लगा दी। इस तरह से इसको आप कच्चा कर लेंगे। इसके नीचे ही आप सूट का जो कपड़ा है वो भी रख देंगे। तो इससे दोनों ही, क्योंकि सूट का जो कपड़ा है मेरा बहुत ही पतला है, तो इसलिए मुझे उसमें अस्तर लगाना ज़रूरी है। यहाँ पर अब इसको आप सीधा करेंगे। इस तरह से सीधा रखने के बाद यहाँ पर आप बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे इसको, गले जो मेरा ये डिजाइन है इसको रखेंगे। यहाँ पर इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह से निकाल दीजिए, हल्का सा ऊपर करके रखेंगे इसको और यहाँ पर इसमें सिलाई लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर मान लो मुझे कॉलर का नहीं बनाना था, अगर ये सिंपल बनाना था तो आप अस्तर ही लगा दीजिए, लेकिन इसमें मुझे कॉलर लगाना है। तो जब कॉलर खुल के आएगा ना तो अंदर से कपड़ा दिखेगा, तो इसलिए इसमें सूट का कपड़ा लगाना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ से इसको फोल्ड किया इस तरह से, ये देखिए, यहाँ से इसको ऐसे किया और अंदर फोल्ड कर दिया। कपड़ा आपको वहाँ तक कट करना है जहाँ तक आपकी सिलाई है। अगर आप ऊपर से ही कट करेंगे तो फिनिशिंग के साथ नहीं मुड़ेगा। इस तरह से फोल्ड कीजिए, देखिए बहुत ध्यान से आपको इसमें कट लगाने हैं। आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए, सिर्फ आपको कपड़े पे ही कट लगाना है। इस तरह से ये दोनों चीज़ अंदर मुड़ गए। और इसको अब अपनी उंगली की सहायता से इस तरह से कर दीजिए, और नहीं तो इस पे प्रेस लगा दीजिए। ये देखिए, बहुत ही पतला कपड़ा है, बहुत ध्यान से करना है, नहीं तो इससे सिलाई निकल जाएगी इसमें। यहाँ पर इसको लगा दिया मैंने। अब इसको आप इस तरह से, यहाँ पर पीछे का जो हिस्सा है उसमें कोई गला कट नहीं करना है। यहाँ से बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे, इसके कंधे जोड़ देंगे। देखिए, मैं आपको इसको इस तरह से दिखाती हूँ पलट के। इस तरह से आप इसमें सिलाई लगा दीजिए। सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसको नापना है। इस तरह से इसको डबल कीजिए और यहाँ पर इसको इस तरह से रख दीजिए। और इंची टेप की सहायता से आप देखेंगे कि आपका कितना बड़ा आपका कॉलर आ रहा है। कॉलर इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ से आप देखिए, इस तरह से आपने इसको, तो आपके अपने गले के अकॉर्डिंग है। अगर आप गले की चौड़ाई 3 इंच रख देंगे तो आपका कॉलर थोड़ा बड़ा आएगा। तो यहाँ से देखिए, इस तरह से मैंने इसको रखा 7.5 इंच। तो यहाँ पर मैं 7.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और मेरी जो 1.5 इंच मेरी बुकरम जो है एक्स्ट्रा है, इस तरह से जो कॉलर की चौड़ाई है वो 3.5 इंच है। तो यहाँ से देखिए आप, इस तरह से ये ऐसे तिरछा जाएगा। इसमें बिल्कुल चोंच नहीं बनानी है, फिर आपको निकालने में दिक्कत होगी, तो इसलिए हल्का सा ही आपको शेप देनी है इसकी। ये देखिए, इस तरह से इसको ऐसे सीधा रखेंगे, ये इस तरह से आपका फोल्ड होके आएगा। यहाँ पर अब मुझे अस्तर और कपड़ा दोनों ही लेना है। अस्तर और कपड़ा आप दोनों लेंगे, क्योंकि मेरा 3.5 इंच का कॉलर है तो मुझे इसमें 7.5 इंच का कपड़ा चाहिए, क्योंकि मुझे डबल करके लगाना है। तो आप इस तरह से कपड़ा लीजिए, इसके ऊपर आप इस तरह से अस्तर रख दीजिए। यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब मैं इधर रखूँगी ना तो मुझे दोनों तरफ कटिंग करनी होगी, तो मैं इस कॉलर को ना थोड़ा पलट के रख दूँगी दूसरी साइड, और उधर की तरफ ही मैं इसमें सिलाई लगा दूँगी। इससे आपको आसानी भी होगी और आपको चीज़ समझ में भी आ जाएगी।
तो यहाँ से आप इसको, ये अस्तर ज़्यादा है, देखिए अगर आपका कपड़ा थोड़ा ठीक है तो आप अस्तर एक तरफ लगा सकते हैं, लेकिन ये इतना पतला कपड़ा है कि इसमें अस्तर मुझे दोनों ही तरफ लगाना है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से किया और यहाँ पर इसको इस तरह से मोड़ देंगे। देखिए जिधर मैं मोड़ रही हूँ वो हिस्सा मेरा जुड़ेगा। इसी तरह से ही अब मैंने इसको ऐसे डबल किया और इसको बराबर बराबर कट कर लिया। एक तरफ से मैंने मोड़ दिया है, जितना मैंने मोड़ा है इसके पास पास से ही मैं इस तरह से सिलाई लेके जाऊंगी, फिर इधर और ये इधर की साइड, और इसको नीचे से कट कर दूंगी। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ये कट हो गया है। बहुत ही आसानी से आप देखिए ये कपड़ा जो एक्स्ट्रा है हल्का हल्का कट कर देंगे, जिससे कोने निकालने में आसानी हो। यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे तो फिनिशिंग के साथ आपके कोने निकल जाएंगे। इसमें भी आप सेम ऐसे ही करेंगे, इसका सेंटर पॉइंट बनाएंगे। जब आप इसमें सेंटर पॉइंट लगाएंगे तो इसी तरह से ही मेरे सूट में सेंटर पॉइंट है, तो दोनों ही सेंटर पॉइंट लगा देंगे। तो देखिए बहुत ही आसानी से, मैंने अभी किट की वीडियो भी डाली थी कि मशीन का जो सामान होता है सिलाई का उससे रिलेटेड, तो उसमें ना एक इस तरह का, देखिए इससे मैं आसानी से अब इसके कोने निकाल दूंगी इस तरह से। ये डोरी सीधी करने में काम आता है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ से इसको इस तरह से इसके कोने निकाल दीजिए। बहुत ही आराम से निकाल रहे हैं। जहाँ पर आप रील लगाते हैं ना, या तो उसकी सहायता से भी आप इसको निकाल सकते हैं बाहर की तरफ। अब मुझे इसमें कॉलर लगाने के लिए यहाँ पर मैं इसको इस तरह से रख दूँगी, इसका सेंटर पॉइंट है। सेम ऐसे ही अब मैं सूट को रखूँगी यहाँ पर। तो ये देखिए इस तरह से ये पीछे मैंने कट लगाया हुआ है। यहाँ पर मैं इसको रखूँगी आधा एक साइड और आधा एक साइड इसको सिल दूँगी। तो देखिए दोनों में ही कट लगाया, यहाँ पर रखा। कट लगाना बहुत ज़रूरी है, कपड़े पे कट लगाएंगे, जो मैंने मोड़ा था उस बुकरम पे कट नहीं लगेगा, सिर्फ एक पे। ये देखिए यहाँ से लेंगे। शर्ट वाला कॉलर ऐसे ही लगाना है जैसा मैं आपको बता रही हूँ। इसमें आपका अंदर की तरफ ही सीधी तरफ ही सिलाई आएगी, क्योंकि हमारा जब कॉलर मुड़ेगा तो जो फिनिशिंग वाला है वो ही आएगा। तो अब इसको इस तरह से ऊपर सिलाई लगा देंगे और यहाँ पर किनारे पे सिलाई लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही कम टाइम में और सिंपल तरीके से किस तरह से शर्ट कॉलर बनके रेडी हो गया है। तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करेंगे और मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।